बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। मुझे कहते हैं रुवेज़ा राजपूत। तमाम उम्मते मुस्लिमा को, अहले ईमान को मीठी सी, प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी छोटी ईद उल फितर मुबारक। मेरे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरे पूरी ये जो टीम मेंबरान हैं और लाहौर रंग टीवी चैनल की तरफ से तमाम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मुसलमान मौजूद हैं, उन्हें ईद उल फितर का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ भरपूर अंदाज में ईद मना रहे होंगे। ईद खुशी और खुशी बांटने का नाम है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि अपने प्यारों के साथ खुशियाँ बांट भी रहे होंगे। और आज का दिन बड़ा अहम है और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आप लोगों के प्यारे आपसे नाराज़ हैं, कोशिश करें उन्हें जो है वो गले से लगाएं और जो भी आपकी रंजिशें हैं उनको भुला के, एक ईद का दिन है और ये साल के बाद एक मेरा ख्याल बोनस आता है कि अगर आपके साथ कोई नाराज़ है भी तो आप उसको मना लें। बहरहाल, आपके ईद के ये इस इवेंट को मज़ीद ख़ास बनाने के लिए हमने बड़े जो है ख़ास मेहमान जो है उन्हें दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद चीमा साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन के, और उसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगी ताहिरा जबीन मैम, जो कि शायरा हैं। उसके अलावा अगर मैं दूसरी तरफ अपने मेहमाना ने ग्रामी का तारुफ करवाता चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अहमद भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हैं। और उसके अलावा हमारे साथ ईद का दिन है, ये कैसे हो सकता है कि कोई सिंगर या कोई इस तरह का जो है वो ना हो, तो हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं मरियम अली साहिबा। तो आज की जो पाकिस्तान में ना सिर्फ बाहर के अगर हम ममालिक की बात करें तो वहाँ पर भी कई परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं और अवैस भट्टी साहब एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह से। हम अपने जी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास बात कि हमें उन लोगों को भी इस ख़ास इवेंट पे याद रखना चाहिए जो एक साल बाद आने वाली खुशी भी बहुत ही हल्की फुल्की सी मना पाते हैं। तो उन बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें और उनके साथ कुछ वक्त गुजारें, उनकी खुशी में भी शामिल हो जाएं। मेरा ख्याल है कि अली हमजा बाकायदा आगाज़ करते हैं और चटपटी सी बातें शुरू करते हैं, सीरियस ज़्यादा हो गई है। स्पेशल नशरियात का आगाज़ करते हैं। मेरा ना सबसे पहले फोकस पर है ये जो अवैस अहमद भट्टी साहब हैं। अच्छा, इनका ताल्लुक पीटीआई से है और ये आज बड़े चमक रहे हैं। हमने देखा पीटीआई वाले आजकल इतने चमक नहीं रहे। सर, ये ज़रा बताएं ये इसकी क्या खास वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम अहल इस्लाम को, पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं सबको ईद उल फितर की मुबारक। अली, ये जो आप कह रहे हैं कि आप बड़े चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, यार क्यों ना चमक दमक होनी चाहिए। ईद है, खुशी है, त्यौहार है, इसको तो हम बिल्कुल चहक बहक मनाना चाहिए ना। और जिस तरह पाकिस्तान की आवाम, देखिए ईद की खुशी है, मैं छोटी सी बात पॉलिटिकल भी करूंगा जरूर। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम ने पीटीआई को वोट किया है और स्पेशली आप जैसे, हम सब जैसे जो बैठे हम लोग यंग लोगों ने इस पार्टी को सपोर्ट किया है, तो ईद की खुशियां तो ईद दबाला होनी ही बनती हैं। और कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईद गिफ्ट आप तक पहुंच चुका है सीक्रेटली और वो खुशी नजर आ रही है? देखिए देखिए जो हालात हैं, जो इस मुल्क के अंदर जो ईद गिफ्ट की बात करें, ईद गिफ्ट तो जिस तरह आवाम ने हमें दिया है और इंशाल्लाह विद इन डेज की बात है, मैं मंथ्स की बात नहीं करूंगा, विद इन डेज की बात है, जो एक्चुअल गिफ्ट है इस कॉम ने जो अपने वोट से किया है वो मिलने वाला है और इंशाल्लाह हम अपनी तगोदो में हैं, कोशिश में हैं। नहीं नहीं, वैसे मैंने आपसे सवाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आजकल हम किसी भी पीटीआई वाले को देखते हैं तो उसके बाल भरे होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। वो भी वापस आ गया। हमारे साथ जी सज्जाद चीमा साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर, बताइएगा कि इतनी मसरूफ सी जिंदगी में जब एक इवेंट आता है तो उसको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है? सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर बसने वालों को ईद उल मुबारक, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर मुबारक। बात यह है कि इतने मसरूफ टाइम में, एक तो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा छुट्टियां भी काफ़ी ज़्यादा दे दी हैं, तो इसमें फैमिली के लिए जो ना टाइम निकालना पड़ता है और इसमें तमाम जो अज़ीज़ो क़ारिब हैं वो इकट्ठे होते हैं, खाने पकाते हैं, खाने खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियां जो है ना उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेशल जो है ना मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही ख़ास इनाम है कि पूरा रमज़ान रोज़े रखे होते हैं, इबादतें की होती हैं और उन इबादतों के सिले में अल्लाह ताला ने हमें ये एक तोहफ़ा दिया है ईद उल फितर का, तो इसको हम बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना मनाते हैं। अच्छा, चीमा साहब मुझे बताइएगा कि आप जैसे कि हमें पता कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन है,
आपकी ईद कितनी मुख्तलिफ होती है बाकी लोगों के ईद से, क्योंकि ये जो काम है इस पर तो कोई छुट्टी या तखीर तो नहीं हो सकती, तो आप किस तरह से ईद को फिर सेलिब्रेट करते हैं और जो ये ड्यूटीज़ होती हैं इनको किस तरह से निभाते हैं? नंबर वन तो हमारी जो ऑफिस है, जो लैब है हमारी स्पेशली, वो 24 आवर खुली होती है। किसी भी वक्त किसी भी जगह से हमें ब्लड के लिए कॉल आ सकती है, तो वो हमें जो है ना वो हम उसको पूरा करते हैं। और दूसरा मैं ये स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको भी हमें इस रमज़ान में, इस ईद उल फितर में, इन खुशियों में हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए, उनको हमें इन खुशियों में शामिल करना चाहिए। वो मुकम्मल तौर पर हमारे उनका दारोमदार, उनकी ज़िंदगी का दारोमदार हमारे खून पे ऊपर मुनसर होता है। अगर हम उनको खून देंगे तो उनकी आगे ज़िंदगी जो है ना बढ़ सकती है, तो उनके लिए खून का कतरा उनके लिए ईद की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये आपके ऑफिसेज जो हैं यहाँ पे स्टाफ मौजूद होता है, ईद की कोई छुट्टी नहीं? जी जी, अल्टरनेट डेज में करते हैं। फाउंडेशन के लिए भी तीनों ईद के दिनों में कोई ख़ास दिन ऐसा है जो उनके साथ भी मनाया जाता है? वो ईद से पहले और ईद के बाद हम उनके साथ जो है ना ईद मिलन पार्टी जो है ना हम मनाते हैं, और वो बच्चे घर से तैयार होके आते हैं। उस दिन हम कोशिश करते हैं कि उनको जो है ना ब्लड ना लगाया जाए, और स्पेशली उनको जो है ना गिफ्ट दिए जाएँ। ईद से पहले भी गिफ्ट देते हैं और ईद के बाद फिर खाना बना के उनको जो है ना, जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, जी जी, हम उन बच्चों के लिए भी उसी तरह करते हैं, ताकि वो फील करें कि वाकई जो है ना ये अदारा जो है ना, या जो भी जिस अदारे में भी जा रहे हैं, वो उसको अपना घर की तरफ समझे। बहुत खूब जी, बहुत खूब। हमारे साथ मरियम अली साहिबा मौजूद हैं। जल्दी से इनकी तरफ आते हैं। जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है, और ओकेजन्स की अगर हम बात करें तो घर वाले खसूसन इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज तो भाई फंस के। तो आप कैसे अपनी ईद सेलिब्रेट करती हैं? मेरी ज़्यादा तो आप लोगों के साथ ही गुजरती है चैनल पे। ये सच बोल दिया इन्होंने। अच्छी बात ऐसी ही है। और दूसरा, मैं बिल्कुल ईद मनाती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ। स्पेशल फर्स्ट डे तो मैं कहीं भी नहीं जाती, अपनी फैमिली के साथ कुकिंग करती हूँ, खाना बनाना और सोइयां बनानी जो मोस्टली चलते हैं। अच्छा, खुद कुकिंग करती हैं? जी, खुद कुकिंग करती हैं। और मुझे बताइएगा कि जैसे बहुत से दोस्त अहबाब होते हैं, फैमिली वाले भी होते हैं, तो वहाँ पे भी कोई फरमाइश आ जाती है कि चलें कुछ गुनगुना दें? नहीं, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि फैमिली में जो मेहमान आ जाए या मेरे भांजे भांजियाँ कुछ लोग आ जाते हैं, तो फिर फरमाइश हो ही जाती है कुछ सुना ही दें। अच्छा, हम ताहिरा जमील साहिबा की जानिब जाते हैं। ईद मुबारक जी आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे सेलिब्रेट करती हैं ईद डे? क्या कोई ख़ास शेर होता है, क्योंकि शायरा हैं ये, कोई शेर से आगाज़ करती हैं कि खावन को सुनाया घर वालों को? पोइट होता है, उसकी ईद कैसी होती है? देखें, पोइट जो है वो भी माशरे का एक फ़र्द, एक रुकन ही होता है। सिर्फ ये कि उसको अल्लाह ताला ने एक हसासियत ज़्यादा बख्शी होती है। वो अपने अंदर के जो उसकी वारदात होती है, ज़ाती तजुर्बात हैं, जो मुशाहिदात देखता है, तो एक ख़ास हसासियत के लेवल पे जाके वो अशार की सूरत में या मिसरों की सूरत में वो उनका इजहार कर देता है। तो लेकिन उसकी इस आमद का ताल्लुक किसी ख़ास वक्त से नहीं होता। ईद वाले दिन बिल्कुल आमद हो भी सकती है, और किसी भी वक्त और किसी लम्हे भी हो सकती है। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं कि मैं ईद के दिन का आगाज़ इससे करती हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ज़रूर आपको अशार पर जो है वो तीन अशार पेश करूँगी। ये उसके बदन की खुशबू भी दालान में है, उसके बदन की खुशबू भी दालान में है, क्या बात? और चेहरे का रंग भी अपने ध्यान में है, अरे वाह। और लम्स हथेली पर और माथे पर बोसा, लम्स हथेली पर और माथे पर बोसा, प्यार भरी सरगोशी अब तक कान में है, क्या बात है, क्या बात। और आज अगर एक पल को ही वो आ जाए, आज अगर एक पल को ही वो आ जाए, ईद मनाना अपने भी इम्कान में है। हाय, क्या बात है जी, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। वैसे किसको आपने डेडिकेट किसको किया कि अगर वो आ जाए? कभी नहीं पूछा करते। ये हर दिल के की आवाज है, हर दिल की आवाज है, जिसका पूरी कोई भी महबूब, ये ख्वाहिश या अभी इंतजार है, महबूब उससे जुदा है, और महबूब कोई भी हो सकता है, इसको भी हम मखसूस नहीं कर सकते। एक माँ का बेटा परदेश में है, तो उसे यही लगेगा कि मेरे बच्चे के बदन की खुशबू पूरे घर में अभी भी महसूस होती है। मैं उसके माथे पे बोसा देती थी या कभी वो लेता था, वो भी मुझे याद आ रहा है। और अगर आज एक पल को भी आ जाए तो मैं भी ईद मनाऊं। अच्छा सीमा साहब, आप बताएं कि आज की ईद में और कोई जरा 15-20 साल पीछे चले जाएं, तो
तब की ईद में क्या फ़र्क है? पहले हम देखते थे कि बाकायदा तौर पे ईद कार्ड लिखे जाते थे और बड़ा वो ईदी देने और लेने वाला जो कल्चर होता था, अब वो उस तरह से नहीं है। अब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हम भी ईद कार्ड बड़ी खुशी से लेके आते थे और उनको फिर बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग लिख के देना, लिख के फिर पोस्ट करना। मैं 1989 में मैं अमेरिका चला गया तो मुझे इतना जो है ना वो, जब भी मैंने जॉब से वापस आना तो मैं सबसे पहले अपना वो बॉक्स खोलता था डाक, किस किस ने मुझे जो है ना भेजा है। तो ईद के नहीं नहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, तो ईद के जो है ना, ईद खास तौर पर ईद के दिनों में जो है ना वो बड़ी ईद से पहले बड़ी जो है ना एक होती थी जो है ना कि हमें किसी ने कार्ड भेजा होगा, तो जब कार्ड खोल के कार्ड नजर आता था तो इतनी खुशी, इतनी खुशी होती थी। अब ये नहीं रहा, अब तो जो है ना, अब तो आप मोबाइल पे, मोबाइल पे, हर टाइम। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक कार्ड की फील आती थी कि आपको जिस तरह से रिसीव होना, और अवैध भट्टी साहब मुस्कुराते जा रहे हैं, कोई कार्ड याद आ गया है खास? कार्ड्स, फिर कार्ड्स का जो टाइम था, आपने एक अच्छा सा हमारे साथ रिमार्केबल सा सीन शेयर करना है, क्योंकि खास कार्ड आया हो जिसे देख के आपने कहा ओ ये नहीं, नहीं इनकी ड्रेसिंग बता रही है, इनको कार्ड्स आते हैं, अभी भी आते हैं कार्ड्स, आते हैं मैसेजेस आते हैं। नहीं, अभी तो सिर्फ लॉयर्स के कार्ड्स आते हैं। लॉयर्स के आते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें मेल है कि फीमेल, कैटेगरी है ना किसका किसका है ये तो अब। बट वो जो टाइम था ना, ये जो कार्ड्स वाला है, आज का ये मैसेज हम लोग करते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाए होते हैं अली भाई, ब्रॉडकास्ट या ये जो ग्रुप्स हम लोगों ने बनाए, ये तो कुछ भी नहीं है यार, वो कार्ड्स का एक जिस चीज़ सचिमा सब अलग खुशी थी, अलग खुशी थी। मैंने 5-6 दिन पहले अपनी फाइल्स देख रहा था पुरानी, अपने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, तो उसके अंदर मैंने ना पुराने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, आप लोग जिन जिन वो सब, बड़ा ही एक ना अजीब सी इनर सेटिंग, आप एक खुशी नहीं महसूस होती, बड़ा मजा महसूस ये भी होता था कि इसने खास टाइम निकाल के कार्ड बाय किया, उस पर लिखा और फिर मुझे भेजा। अब तो वो जो मैसेजेस भेजे जाते हैं उसके ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा, कॉपी पेस्ट वाले, कॉपी पेस्ट वाले होते थे ना स्कूल्स का टाइप था वो, मैं है तो बचगाना बच्चे होते थे जब, उस टाइम भी होता था स्कूल्स टाइम में भी कि आपके वो छोटे छोटे फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में जब, तो वो उस टाइम भी बड़ा टाइम होता था कार्ड्स का, 10-20 रुपए का लेना, उसमें इस तरह के डिब्बे में डिब्बे इस तरह के इस तरह के लिखते होते थे, बंदा खुद शायरी, हमें मैडम जैसी तो नहीं आती थी शायरी कुछ करते, जो वो किसी के हमारी तो वही थी जो हमने ये जो लोगों सुनी है देखी, वही खुद से वो हार्ट बनाने खुद से पड़ा। वैसे आप ये बताइए कि आज भी शुमार ईदी लेने वालों में होता है या देने वालों में तो होता ही होगा, कोई ऐसा भी जगह से ले भी लेते हैं? खैर कोई इक्का दुक्का जगह से मिल जाती है, मिल भी जाती है। वो कौन है, वो खास लोग कौन है? नहीं खास देखिए ना, चचा ताया तो जो जिंदा है वो तो जो पहले बचपन से लेते रहे हैं, या बड़े भाई हैं उनसे तो मिलती है, लेकिन अब तो टाइम है ना देने का, अब टाइम देने का और देते भी हैं, लेकिन ये भी एक खास एक जेस्चर्स होते हैं, और ये जेस्चर्स ही आपकी देखिए आपकी ईद रोज हो सकती है, आप मिलते हो वही चीज करते हैं ना। क्या ऐड क्या होता है मिस्टर रुबैज़, ऐड क्या होता है, एक ईद नमाज, सवैयां आप खाते हो, वही हलवे खाते हो रूटीन, बट जो उसका एक चार्म उस दिन की अपनी जो एक वो बरकत है, खुशबू है, आप सब ईद देने की और ईद लेने की एक अपनी खुशी है। क्या बात, जब हम ईद लेते थे उस वक्त भी एक अजीब खुशी होती थी और ईद देते, और अब जब ईद देते हैं तो उसमें भी एक अजीब खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन होती है। हमने ईद मिल जाती थी जब आपको मिलती थी, वो तो जो है ना हम उस वक्त तो 5-10 रुपए भी मेरा ख्याल है बड़ी बहुत बड़ी जो है ना, क्या करते थे उस ईदी का, खर्च कर लेते थे या फिर जमा करते थे? नहीं नहीं उसी वक्त गए जो है ना, जाके बोतलें पी, आइसक्रीम खाई और खत्म। वो शड़ले वाली बंदूक शंदूक नहीं? अच्छा, वो घरों के बाहर बड़ा मेला लगा होता था, वो बड़ा कल्चर है, घरों के बाहर जो छोटे छोटे भी चौक होते थे वहां पर बाकायदा मेले ठेले होते थे। हमारा घर भी एक कॉर्नर वाला था तो बिल्कुल हमारा ही जो चौक बन जाता था, जब हम सुबह दरवाजा खोलते थे तो रंगा रंग वो रेड़ियां और ठेले और गुब्बारों वाले और इतनी वो छोटी छोटी सी दुकानें बनी होती थी और इतनी रौनक, सारे बच्चे बच्चियाँ तैयार हुए हुए, छोटे छोटे पर्स लटकाए हुए हैं और ईदी मिली हुई है और चीजें खरीद के खा रहे हैं। अब तो वो चीजें हैं ही, वो सीन नजर ही नहीं आते। मेरा ख्याल है कि अब एक इशू ये भी है कि हमें वो चीज अब उस तरह एंटरटेन भी नहीं करती। अब आप देखेंगे एक 5 साल के बच्चे को आप पूछेंगे कि आपको एक बैलून चाहिए या मोबाइल चाहिए, तो मेरा ख्याल वो मोबाइल लेगा, टैब चाहिए, तो वो उस तरह का मेरा ख्याल नहीं, उसे बैलून नजर आए तो जरूर ललचाएगा, हमने बैलून दिखाने बंद कर दिए। हाँ बस हमने अपनी आसानी के लिए मोबाइल दे दिया, फिर उस पर रील डाल दी, मिस मरियम की तरफ चलते हैं, काफी देर से मुस्कुराई जा रही है। आप बताएं कितनी ईदी इकट्ठी हुई आपको इस बार?
नहीं, ईदी तो इतनी इकट्ठी नहीं होती, बस कुछ सिलेक्टेड से दोस्त हैं वो भेजते हैं ईद उनको। ये कौन से दोस्त हैं, हमें क्यों नहीं भेजते? हमारे दोस्त देखें बताने वाली बातें नहीं ना होती सारी। देखें ये देखें कौन से दोस्त हैं, हमें क्यों नहीं भेजते? क्योंकि जब छोटे होते थे तब तो ऐसे ही मोस्टली पेरेंट्स से या चचा ताया ऐसे तैयार होना, घर घर जाना ईद मिलने के लिए, पता है कि ईदी मिलेगी। तो अब चेंज हो गया ना, अब तो मैं इंशाल्लाह मेरा पहला सबसे छोटा मैं ही हूँ, मेरा 18 साल की उम्र है। तो मैं आपका हक बनता है, ईद में दूंगी ना ईद, आपको सॉन्ग सुनाऊंगी। अच्छा, हम बाकायदा बल्कि इनसे सॉन्ग सुनते हैं ताकि हमें लगे कि हम ईद ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अच्छा मरीम साहिबा, हमें सबसे बेस्ट सॉन्ग आपने वो सुनाना है जो आपके दिल के करीब है। कुछ लाइन्स से जितने भी गाए मेरे दिल के करीब हैं, और मेरी कोशिश है कि जो आपको मैं सुनाऊँ वो आपको अच्छा लगे, बस मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको पसंद आए मेरे सॉन्ग। जी, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहते हैं। खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत मज़े मज़े की मीठी मीठी सी बातें चल रही हैं। जल्दी से अब हम जाते हैं मैडम की जानिब और जानते हैं कि ईद वाले दिन बनाती क्या हैं आप? ईद वाले दिन टिपिकली तो आपको पता है सेवैयाँ ही बनती हैं, और उसके अलावा बच्चे जो हैं वो आजकल चिकन ही खाते हैं, मटन और बीफ उन्हें पसंद नहीं आता, तो चिकन पुलाव मेरा बेटा तो वो खाता है बड़े शौक से, लिहाजा मेरा तो हर मौका इसी में बड़ी आसानी से गुजर जाता है कि पुलाव बना दो। जो कॉल करके स्पेशल कहे कि ताहिरा आपकी या ताहिरा मामी चाची ये बनाना है? हाँ, भाभी हैं, मतलब वो फरमाइश कर देती हैं कभी कभी। तो लाहौर में बेसिकली मैं रहती हूँ, मेरे एक भाई रहते हैं, एक बहन रहती हैं, तो ये एक ट्राइंगल है बड़ा खूबसूरत सा, तो आपस में फरमाइशें भी चलती रहती हैं और पूरी भी करते हैं। जी मैं साहब, आप ईद पे क्या खाना जो है पसंद करते हैं या बनाना पसंद करते हैं, क्या आप किस तरह के? बनाना तो ये जब अमेरिका में थे उस वक्त खुद बनाते थे, जब शादी हो गई उसके बाद तो फिर बहुत से लोग बनाते हुए बड़ा एंजॉय करते हैं। नहीं, शादी के बाद मैंने तो कभी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। क्या खाने क्या पसंद करते हैं आप, क्या कोई स्पेशल ईद डिश आपकी? मेरी कोई स्पेशल नहीं है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, या स्वीट में जो भी मिल जाए, स्वीट भी जो है ना खा लेता हूँ, लेकिन वेजिटेरियन वेजिटेबल में जो वेज में जो आपको मिल जाए, जो भी मिल जाए। कोई वेज की कोई स्पेशल डिश बनती है कोई ईद पे? कुछ ना कुछ तो बनता होगा। स्पेशल डिश भिंडी है, भिंडी गोश्त, लेकिन मैं तो गोश्त खाता नहीं। लोग बड़ा हैरान होंगे कि आप ईद वाले दिन भिंडियां खा रहे हैं, ये बड़े हैरान कन बात। मेरे लिए जो है ना वो ऑलमोस्ट हर रोज नहीं तो हफ्ते में दो दिन तीन दिन तो जो है ना वो सब्जी उन्होंने लाज़मी बनाई। मतलब कि आप हफ्ते में दो तीन दिन ईद बना रहे हैं, चाहे जो मर्जी बनाए, लेकिन मेरे लिए बच्चों के लिए लहदा, मेरे लिए तो लहदा सब्जी जो है पता है दाल सब्जी में तो जो है ना, तो इसलिए जो है ना मुझे तो ईद पे भी, बल्कि बकरा ईद पे भी वो सब गोश्त खा रहे होते हैं और मैं जो है ना वो सब्जी खा रहा हूं। बस मुझे जो है ना मीट पसंद नहीं है। अरे वाह जबरदस्त, आप बताएं पीटीआई वाले क्या खाना पसंद करेंगे? हाँ। आजकल तो अरे कि अपनी ख्वाहिश अपनी पसंद है जी। इसमें तो नहीं है कि क्या कोई पसंद, लेकिन मीठी इधर तो सेवैयां हलवा तो सभी खाते हैं जी जी, ये तो खा रहे होते हैं, बट जो घर में बनता है फिर वो तो फिर स्पेशल। स्पेशल इस बार क्या क्या खा के आए आप? नहीं मैं तो हमने जी दम पुख्त बनाया। अच्छा। अली का ध्यान सिर्फ इस बात पे है कि जाते हुए ईदी लेनी है, रुवेजा मुझे बता रहा है, और अभी पूछते जाओ कि क्या खिला रहे हैं और किश लेकर आए हैं। आपने इतनी मजेदार बात काटी, दम पुख्त की बात हो रही है, आप कंटिन्यू करिए। मरीम ने कहा सबको ईदी दे के जा रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने कहा इकट्ठी काफी हुई है, इसलिए सारे जो गेस्ट हैं ना बड़े छोटे उनके तमीज के अलावा पीटीआई वालों से हम मजलूम है, मजलूम है ना, परेशान है, मजलूम, हम इन्हें मजीद परेशान नहीं करेंगे। सर दम पुख्त आपने बीच में छोड़ दिया, मेरी मिसेज ने बनाई और कमाल की, उनका अच्छी कुकिंग करती है वो, तो यही था। और लेकिन या आप इसलिए कह रही हैं वो देखनी है? नहीं 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 नहीं, अच्छा। जो है वो हकीकत में नाम कह रही तो शायद बोलता ही ना, अच्छा सही ना, अच्छा बनाया था ना बोलता ही ना सही। तो ये चीजें थी, तो वही ईद उल अज़हा पे भी ये चीजें होती है, लेकिन वो होता है कि घर का गोश्त होता है और घर में आपने कुर्बानी की होती है उसमें सब करते हो, लेकिन यार असल चीज होती है मिल बैठना। सही बात, क्या उन्होंने रात को मेरी सिस्टर्स को बुलाया, मेरी भाई बाहर इंग्लैंड होते हैं वो आए हुए थे, सारी फैमिली जब इकट्ठी होती है ना वही दिन ईद का, वही दिन ईद का। क्या बात, ये नहीं है कि आप सिर्फ बैठे हो, ये दो तीन चार लोग बैठे हो, वो ईद नहीं है। हाँ। वो तो आप सर रोज मिलते हो, आपस में आपको घुल मिल के बैठना, ठीक है जितनी मर्जी बातें भी होती है फैमिली के अंदर, एक दूसरे के प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम इनसाइड ऑफ फैमिली, बट
ये जो ईद है ना वो आपको बैठाती है, इकट्ठा करती है, बल्कि ये तो हदीस मुबारका भी कि आप अपने जिस किसी से नाराज भी होते हो तो उसको इन खास दिनों के ऊपर उनको मिलो, बल्कि पहल करो जाके। बिल्कुल ऐसे ही है, इन चीज़ों में पहल करनी चाहिए। अगर किसी से नाराज भी तो हमें पहल करनी चाहिए, और ये तो दिन खुशी के दिन है, इसका इनको खुशी से मनाना चाहिए। अबे साहब, आप सियासी पर्सन भी हैं, कह लें लॉयर भी हैं, कोई गायकी से कोई दोस्ती शेर व शायरी से? मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, कौन सा ख्याल है? लेट करने नहीं, हम इसी पे रहेंगे। ये कौन सा ख्याल है जो कभी कभी आता है, जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ? बस शायद कोई हो। भाभी देख रही हैं, भाभी देख रही हैं, क्या करें, इतनी सी माफी ले लूंगा उनसे। अच्छा, हम मरियम जी से जानते हैं कि कैसा लगा, इतना अच्छा गाया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया है, और मैं यही देख रही थी। कहते शौक का मुल्क कोई नहीं, लेकिन उनके अंदर भी एक फनकार है। वैसे इन्होंने कैसा गाया, क्या रेट करेंगे आप? अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया जी। अच्छा, सही। मैं तो कहती सियासत छोड़ के इसी काम में आ जाए, हमारे साथ मिलकर। पहले तो दो तीन काम कर रहे हैं, वो लॉयर भी हैं। जिस शो में बैठे हुए ना यहाँ पे, तकरीबन हफ्ते में दो तीन दफा मैं वो करंट अफेयर्स शो में बैठा होता हूँ, तो आज वही ना एक फीलिंग और है। आज स्पेशल है ना, आज ही स्पेशल है, खुशी में। अच्छा, वैसे आप क्या, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमने आपसे भी सुना है, हमने आपसे भी सुना है। मैं साहब को ये कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये जो नॉन सिंगर्स हैं इनसे सुन लें पहले, क्यों क्या ख्याल है, बाद में मिस मरियम से सुन लेंगे। सर आप भी कुछ सर ने मेरा ख्याल कोई स्पेशल जो है ना वो सॉन्ग सुनाना है, और मुझे पता है कि ये तैयार कर रहे हैं, अब ये सोच के सुनाएंगे कि कौन सा इन्हें याद है। मिस आप कुछ गुनगुना दें। कौन सा सुनाऊं? और आज सबसे दिलचस्प बात ये है कि अली भी आज आपको गाना सुनाएंगे। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऐसा आज कुछ नहीं होगा। आप मिस गाना सुनाइए। मिस आप मुझे सुनाइए, आपने बचे ना, आप ही सुनाइए। नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। हमारे साथ तो नाजिल सारे सिंगर मौजूद हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा गाया, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। सर आपने क्या सोचा? अभी नहीं, अभी इनका वो थॉट प्रोसेस चल रहा है, अभी आपको अली गाना सुनाएंगे और अली की बेगम को डेडिकेट भी करेंगे साथ में। अली आप बताएं, आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड हाउ डू यू विश योर वाइफ की ईद मुबारक? देखें, आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप ये सबसे छोटा हमारे, आप उसका बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह।
छुपाना चाह रहा था। नहीं, नहीं, सर मैं नहीं छुपाना चाह रहा था, मैं तो हर प्रोग्राम में बताता हूँ। देखें यहाँ पे मेरे ख्याल आपके अलावा तमाम मैरिड हैं, ऐसे ही है जो शादीशुदा जो लाइफ है। लास्ट ट्रांसमिशन में भी अली ने ये बात कह के खत्म कर दी थी कि जो शादीशुदा होते हैं ना वो फीलिंग आप समझ नहीं सकती, उसके लिए आपको शादी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको शादी करना होगी। आप अपनी अम्मा से कहें कि या अपने वालिद साहब से कहें कि शादी करवाएं। मिस मरियम आप बताएं कि आपने क्या बनाया इस ईद पे स्पेशल? ईद पे सेवइयां तो बनती हैं, लेकिन मैं ज्यादातर नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपने इस ईद पे हमारे लिए स्पेशल क्या बनाया? आपके लिए आप क्या खाएंगे? मुझे तो पता नहीं आप क्या खाते हैं। नहीं, आप जो लाई होंगी खलूस के साथ हम वही खा लेंगे। चले ठीक है, लेकिन ये है कि ईद पे ज्यादातर मुझे पसंद होता है ये पुलाव तो बनते हैं साथ शामी कबाब और ये इस तरह से कुछ चीजें, क्योंकि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। ये नहीं मैं अपने मुंह से मियां मिठू बन ये हम इंशाल्लाह खा के बताएंगे काफी आप अभी खाइएगा ना आपको मजा आएगा, आप कहेंगे वाकई मरियम ने खाना अच्छा। मुझे ये बताएं कि मैंने ये महसूस किया है, बल्कि आपको भी मैं शामिल करता हूँ साथ अहमद साहब, कि खवातीन को ईदी ज्यादा मिलती है, ऐसा है? उन्हें कहते हैं चलो चलो दौड़ जो है 10 रुपए फड़ो, यार मेहनत भी ज्यादा कर रही होती है। ये भी है कि ईद पे किचन में मेहनत ज्यादा करती हैं, ईद से पहले, ईद से पहले हस्बैंड की जेब पे मेहनत ज्यादा करती हैं, शॉपिंग पे मेहनत ज्यादा करती हैं, फिर एक कस्टर्ड बनाती हैं और फिर कहती मैंने तो बहुत कुछ किया। ईदी का हकुम का ज्यादा ये आप जो है ना ईद ट्रांसमिशन में साथ साथ गिले भी गिरी जा रहे हैं। सर आपने कोई गाना वैसे सोचा? नहीं, नहीं, अभी हमने आपसे सुन के जाने देना, हमने अली से भी आज गाना सुन के जाना। अली मेरा ख्याल है कि आप गुनगुना दें, मेरा ख्याल है कि सर आप सुनेंगे गाना, मेरा ख्याल है कि आप मेरा गाना ना ही सुने। नहीं अली, हम चाह रहे हैं कि आप गाना सुनाएं, टूटा फूटा सुना दें। सर असल में मसला क्या है, मेरा मसला ये है कि जो मेरा गाना है ना वो मैं खुद नहीं सुन पाता, आप लोगों की टेंशन नहीं है, मैं अपना गाना खुद नहीं सुन पाता। लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया है। अच्छा यहाँ पे नाज़रीन थोड़ी सी मैं एक सीरियस गुफ्तगू भी करना चाह रहा था सजा चीमा साहब से, थैलेसीमिया के हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि ये इसके हवाले से एक तो अवेयरनेस और आपकी फाउंडेशन इसके लिए खास क्या काम कर रही है? नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन 2015 में इसका क्याम हुआ है और अभी तक हमारे पास 633 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और अदर जो ब्लड डिजीजेज हैं, ब्लड डिसऑर्डर है, कैंसर के जो पेशेंट हैं जिनको ब्लड लगता है और एच बी लेवल जिनकी कम होती है, ये सारी सर्विसेज हम जो है ना एक ही छत के नीचे। चीमा साहब ये कितने देर वक्फे के बाद जो है ब्लड लगता है? मैं बता रहा हूँ आपको, थैलेसीमिया जो है मौरसी मर्ज है, ये पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है, इनका अपना रेड ब्लड सेल नहीं बनता और इस वजह से इनको पूरी उम्र दूसरों के खून पर इनका दरमदार होता है। जिस तरह हमारे लिए खाना ज़रूरी है, इनके लिए खून ज़रूरी है। तो ये उम्र के हिसाब से छोटे बच्चे जो हैं उनको 3 हफ्ते बाद भी लगता है, जो जैसे 10-12 साल का है उसको 2 हफ्ते बाद, अगर वो 18-20 साल का हो गया तो उसको 10 दिन के बाद ब्लड लगता है। तो इसका यही है कि जो इनका अपना ब्लड नहीं बनता तो इनको जो है ना हमेशा लाइफ के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक इनको जो है ना ब्लड लगवाना पड़ता है। अच्छा चीमा साहब, हमने देखा है रमज़ान में बहुत ज़्यादा एहतियात दिए जाते हैं, रमज़ान के बाद क्या सूरत हाल होती है? हमारा जो है ना इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान अल्लाह ताला ने एक ज़कात के लिए भी एक मुख्तस किया हुआ, ज़कात अब सारा साल दे सकते हैं लेकिन स्पेशली रमज़ान के महीने में ज़्यादातर लोग जो है ना इसी महीने में देते हैं। तो इस महीने में हमारे, मैं तो हर जगह पे कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना पूरी दुनिया में दिल खोल के, चाहे वो जलजला हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो किसी NGO को देने हो, दिल खोल के जो है ना वो अतियात देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है रमज़ान के अलावा भी सारा साल लोग अतियात देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी NGO बाकी भी दूसरी जितनी भी NGOs हैं वो सारा साल सिर्फ उन्हीं जो है ना अतियात की वजह से जो नदार मरीज़ हैं, बच्चे हैं, उन सब का जो है ना इलाज इन्हीं एहतियात से होता है। रमजान में जरा शिद्दत आ जाती होगी। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ है मेरा ब्रेक का, और एक ब्रेक से वापस आके अवैध साहब से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये लगातार मुस्कुराई जा रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ है जो छुपाई जा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, हम अभी एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद की स्पेशल जो नशरियात हैं उसमें आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर से आपको ईद मुबारक कहते हैं। जिन्होंने पहले एक चंद मिनट्स में हमारा ईद मुबारक नहीं सुना, जी आपको ईद मुबारक। अवैध साहब, कोई शरारत
जो ईद के दिन आपने की और आज तक याद है? शरारतें बहुत सी की लेकिन स्पेशल याद कोई नहीं है। मैं क्या पता नहीं कह रहे हैं शरारतें बहुत की हैं, बताने वाली याद नहीं, बताने वाली याद नहीं, बताने वाली याद कोई नहीं है। कोई कोई ऐसी नहीं की जो बताई जा सके। मरियम साहिबा से जानते हैं, कोई इस टाइम ज़हन में नहीं है। कभी कोई ईदी बहन भाइयों की इधर उधर कर ली हो, कभी किसी खाला ने मामू ने दी और कहा हो कि ईदी चुराना तो आम सी बात होती है, वो शरारत थोड़ी थी, वो चोरी होती थी। शरारतें यही होती थी, मतलब समझे ऐसा होता था ना कि चच्ची या पुप्पो या खाला ना आपको कहती थी कि ये तीनों बहन भाई की ईदी है। हाँ। और कभी भी नहीं शेयर करते थे। नहीं नहीं, ईदी तो वो सामने दी जाती थी, लेकिन अक्सर औकात ना ऐसे किसी का डोर नोक करना और भाग जाना, अगले बंदे ने चिल्लाते रहना, किसी पे पानी डाल देना, अगर हम भुट्टा खा रहे तो खा के नीचे फेंक देना, इस तरह की शरारतें बहुत। अच्छा मुझे बताएं कि आपसे ऐसा हुआ है कि ईदी इकट्ठी होनी है तो वालदा ने कहना कि बेटा इधर ले आ, मैं डबल करके। सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता, वालदा जो है सबके साथ होता है। हमारे साथ दो वालिदा मौजूद हैं, इनसे ब्रेक जानना तब तक जरूर होता है। आप भी अपने बच्चों की ईदी? बिल्कुल, जब तक मैं ले सकती थी मैं लेती रही हूँ, लेकिन अब मेरे बस से बाहर निकल गया मामला। अब वैसे भी मेरा ख्याल है कि आपके जो मेरा ख्याल है जी, वैसे बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें दे भी देनी चाहिए, उन्हें खुद पता लगे कि ये हमारे अपने पैसे, हमने कहाँ पे मैनेज करना है इनको, और एक खुशी है वो रियलाइज करते हैं उसको, तो करना चाहिए। चीमा साहब, कोई शरारत ईद के दिनों की? ईद के दिनों की बहुत पहले की बात है, हम जो है ना हमारा बिल्कुल मेन पे घर होता था, तो सड़क पे जो है ना हमने वो मिठाई वाला डब्बा रख देना और सारा रस्सी जो है ना बांध के गेट के अंदर जो है ना ले जानी। तो मोटरसाइकिल वाले ने आना या साइकिल वाले ने आना तो उसने जब डब्बे के नज़दीक पहुंचना तो हमने उधर से अंदर से खींच लेनी, उसने फिर इतना शर्मिंदा होना, हमने फिर अंदर से। और एक दफ़ा तो बस वो लड़ाई होते होते जो है ना बच गई। मतलब कि आप काफ़ी रंगीन मिजाज रहे हैं, काफ़ी शरारतें करते रहे हैं। हम लोग कैसे मान लें, गाना सुना रही अभी तक? exactly, अली आपके साथ है, अली सुनाएंगे तो चीमा साहब सुनाएंगे। चीमा साहब सुनाएंगे तो मैं सुनाऊंगा, ये ले। मैं तो चीमा साहब सुनाएंगे तो मैं आज आपने भी सुना के जाना है। 10 घंटे भी ड्राइव करूं तो मैं बगैर गाने के ड्राइव करूं। टैटू लव्स बगैर गाने के ड्राइव, मतलब कि गाना सुनते नहीं आपका? मेरे वाला हिसाब। हां मैं गाना सुनता भी नहीं। अच्छा, अली ने मिस से मेरे ख्याल गजल ना सुन लें, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, एक गजल मिस से जो है ना वो सुन लेते हैं जी, जरूर। और फिर नाज़रीन हम जो है मिस मरियम की तरफ ही चलते हैं ताकि उनसे भी गाना सुने और वो एक बार फिर माहौल बना दें जी। गजल के चंद अशआर पेश करूंगी। नजर फिर आऊंगा मशरिक से कल निकलते हुए, नज़र फिर आऊँगा मशरिक से कल निकलते हुए, ये कह गया है मुझे आफ्ताब ढलते हुए। क्या बात, क्या बात। मैं ऐसे लम्से मसीहाई की तलाश में हूँ, मैं ऐसे लम्से मसीहाई की तलाश में हूँ कि जिससे देखे कई जाँ बलब संभलते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है। और हमारे अश्क भी आरिस पे नहीं दिल पे बहे, हमारे अश्क भी आरिस पे नहीं दिल पे बहे, और उसने मुड़के भी देखा नहीं था चलते हुए। जालिम। और भरी बहार फसुरदा तो गमजदा सावन, रहे हयात के हैं सुबह शाम खलते हुए। क्या बात, क्या बात। बढ़े जो हद से तो देते हैं शायरी को वजूद, बढ़े जो हद से तो देते हैं शायरी को वजूद, ये दिल की कोख में पहम जो दुख हैं पलते हुए। क्या कहने। वाँ वाँ। और कहीं है साया फगन अब्रे मेहरबान तो कहीं, कहीं है साया फगन अब्रे मेहरबान तो कहीं, हैं रे इग्जार में पाँव बरहना जलते हुए। और सफ़ेद बालों के जूड़े में फूल चाहता है, सफ़ेद बालों के जूड़े में फूल चाहता है, ये दिल तो कुछ भी नहीं देखता मचलते हुए। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा ख्याल है कि जी जी, मिस मरियम के गाने से पहले मेरा ख्याल है तमाम गेस्ट से मैसेज ले लें ईद के हवाले से। सर क्या ईद पे पैगाम देना चाहेंगे जो जो भी लोग आपको देख रहे हैं? ईद उल फितर के मौके पे हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों का ख्याल रखना चाहिए, उनको जितना ज़्यादा हम अतियात दे सकें उनको हम अतियात देने चाहिए, वो इस वक्त डिज़र्विंग हैं, बहुत मुश्किल हालत में हैं, हमें उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, हमें ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ के उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और हम उनके लिए जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ये भी नहीं है कि हम उनको सिर्फ, अगर मैं 100 रुपया दे सकता हूं तो मैं 100 देना चाहिए, अगर कोई 1 लाख दे सकता है तो उनको 1 लाख देना चाहिए। और हमें मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी और पूरे मुसलमान उम्मत मुसलमान से भी अपील करता हूं कि आप फ़लस्तीन के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करें इस ईद उल फितर के मौके। अहमद भाई, अवैस भाई, आप ज़रा बताएँ कि क्या आप क्या पैगाम देंगे जो लोग भी आप देख रहे हैं? देखिए हमें
ईद उल्फितर का दिन है, जिस तरह इसका मकसद यही है कि मिल बैठें, हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठना चाहिए, अपनी खुशियां बांटनी चाहिए, नाराज़गियां ख़त्म करनी चाहिए, और अपनी इस ईदी में से एक छोटा सा पोर्शन, चाहे वो पॉइंट्स में क्यों ना पोर्शन हो, पॉइंट परसेंट में क्यों ना, 1%, 2%, 3% पोर्शन ज़रूर, जिस तरह थैलीसीमिया के मरीजों के लिए चीमा साहब काम कर रहे हैं, जिस तरह डायलिसिस के लिए काम कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, इनके लिए ज़रूर हमें मिनहसुल कौम ना, अगर हम करेंगे तो एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, हमें करना चाहिए, और सोशल नेटवर्क के जितने लोग हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और अपने इन भाइयों की भी मदद करें ताकि एक अच्छा जेस्चर जाए। ईद के मौके पे एक तो वही जो मसावात का और एक दूसरे से हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत के इजहार का एक जज्बा होना चाहिए, उसको ही मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन एक मैं पैगाम थैलेसीमिया के हवाले से देना चाहूँगी, अगरचे रेलिवेंट हो, लेकिन बहुत सारे लोग ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं कि अगर किसी ख़ानदान में किसी एक बच्चे को भी थैलेसीमिया हो जाता है तो खुदा रहा वो पूरा ख़ानदान कज़न मैरिजेस करना बंद कर दे, क्योंकि ये मौरूसी है, जेनेटिक है, और अगर आप ख़ानदान से बाहर शादियाँ करेंगे तो इसका चांस बहुत कम हो जाएगा, और बहुत सारी ज़िंदगियाँ आप इस तकलीफ़ में जो है वो झोंकने से बच जाएंगी। आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारी एनजीओ का जो मेन मोटिव है वो पाकिस्तान थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान है। हमारी कोशिश है कि हम इसको पाकिस्तान को, जिस तरह ईरान है, नेपाल है, इटली है, यूके है, बेशुमार मुल्क हैं जिन्होंने पिछले कोशिश करके 10-20 साल में अपने आप को थैलेसीमिया फ्री कर लिया है। शादी से पहले उन्होंने टेस्ट ज़रूरी किया और अपने आप को थैलेसीमिया फ्री कर लिया, तो हम भी जिस फोरम पे भी जाते हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या किसी भी और जगह पे जाते हैं या अपने इस चैनल के थ्रू, कल भी मैं एक चैनल पे था, हर चैनल के थ्रू हम एक ही जो है ना गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि वो शादी से पहले जो है ना बिल असेंबली में बिल पास करें और निकाहनामे में एक कॉलम आ जाए कि जिससे शादी से पहले टेस्ट ज़रूरी हो, ताकि इस बीमारी से पाकिस्तान को फ्री किया जा सके। 20 साल ये जो बच्चे पैदा हो गए इसमें तो इन्होंने तो लिव करना है, तो अगले 20 साल हम इंशाल्लाह ताला इस बीमारी से पाकिस्तान इंशाल्लाह। मेरे ख्याल वक्त की किल्लत है, मिस मरियम से एक तो गाना सुन लेते हैं और पैगाम पहले लेते हैं, उसके बाद जो गाना है वो आप सबके लिए ईदी है। जी पैगाम ये है कि ये जो ईद होती है ये खुशियों का त्यौहार है, अगर कोई नाराज़ है, कोई रूठा है आपसे, तो आपको मनाने में पहल करनी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, और खुशियाँ जो हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और ये खुशी ऐसी है इसको सब में आप सेलिब्रेट करेंगे और जितना भी इसको खुशी से मना सकते हैं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आपका गाना नाज़रीन, हम मिस मरियम का एक तो गाना सुनते हैं और उसके बाद उसके साथ हम अपने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी प्यारी सी ईद में इनकी शिरकत ने और रंग भर दिए और अपना इतना ख़ास टाइम जो इनका न जाने कहाँ कहाँ एक ईद डे पे उसमें से वक्त निकाल के हमारे साथ हम इन्होंने ज्वाइन किया और आपके लिए आए हैं और आप ही के लिए अभी मरियम साहिबा हमें एक गाना सुनाएंगी।